हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विजुअल बेसिक की हेल्प से एक्सेल में तीन अलग अलग तरीके से कॉपी और पेस्ट करना। एक्सेल में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाले कमांड है वो है कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पे हम विजुअल बेसिक की हेल्प से तीन सबसे साधारण तरीके से, आसान तरीकों से इस डेटा को तीन अलग अलग जगह में कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो ये डेटा हमारे यहाँ पे है, इसको फर्स्ट मेथड से हम एक जगह पे पेस्ट करेंगे, सेकंड मेथड से किसी दूसरी लोकेशन पे, और थर्ड मेथड से किसी तीसरी लोकेशन पे पेस्ट करेंगे। तो विजुअल बेसिक से डेटा को कॉपी और पेस्ट करने के लिए हमें विजुअल बेसिक में जाना पड़ेगा, और विजुअल बेसिक में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेवलपर टैब में जाएंगे। तो कई बार आपके सिस्टम में डेवलपर टैब यहाँ पे शो नहीं होता, तो आपको क्या करना है कि इस रिबन एरिया पे कहीं पे भी आप राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नया डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा एक्सेल ऑप्शन का। आपको क्या करना है, इस विंडो में जाना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेवलपर टैब का आपको ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर अगर आप टिक ऑन कर देंगे या टिक ऑन को रिमूव कर देंगे तो ये ओके करने के बाद डेवलपर टैब हट जाएगा, और अगर आप इसे टिक ऑन करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो डेवलपर टैब आपका आ जाएगा। तो विजुअल बेसिक में जाने के लिए आपको डेवलपर टैब पर क्लिक करना है, और उसके बाद विजुअल बेसिक पर क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारा विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन का विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे VBA की कोडिंग लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे इंसर्ट करके एक टैब शो हो रहा होगा, इस इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो नया मॉड्यूल देखिए हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस मॉड्यूल पे हम विजुअल बेसिक की कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मैक्रो का नाम लिखेंगे, तो हमारा तीन अलग अलग मैक्रो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहला मैक्रो जो होगा वो होगा सब्जेक्ट कॉपी पेस्ट और 01। हम तीन अलग अलग तरीके से यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड 01 करके होगा, और फर्स्ट मेथड हमारा है रेंज डॉट कॉपी, रेंज डॉट कॉपी मेथड। इस मेथड में हम डेटा को पहले कॉपी करेंगे और फिर उसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इससे पहली लाइन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन रेंज जो हमारा डेटा एरिया है वो हो गया रेंज A1 to A10, और यहाँ पे कॉपी लिखेंगे। ठीक है, रेंज हमने यहाँ पे कर दी कि हमने जो हमारी जो रेंज है A1 से लेकर A10 तक है, और इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक स्पेस आपको देना है, तो जैसे ही आप स्पेस देखेंगे यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन का एरिया आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, और जिस जगह पर आपको उसको पेस्ट करना है उस लोकेशन, उस जगह को लोकेट कर दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर D1 पर इसको पेस्ट करना है, तो मैं लिखूँगा रेंज, यहाँ पे मैं क्या करूँगा D1 लिख दूंगा। ठीक, तो ये मेरा सिंपल सा एक सिंगल लाइन का कोड हो गया। अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा, देखिए F8 F8 से, तो देखिए मेरा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो गया D1 पे। ठीक है, तो मैंने D1 रेंज दे रखी थी, D1 पे मेरा डेटा पेस्ट हो गया। तो ये फर्स्ट मेथड है किसी भी डेटा को कॉपी करने का। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मैक्रो का नाम चेंज कर देंगे, रेंज कॉपी पेस्ट। और अब सेकेंड मेथड हमारा कौन सा है, हमारा सेकेंड मेथड है डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सोर्स। तो इसको पहले समझते हैं, डेस्टिनेशन का मतलब है उस लोकेशन का, यहाँ पे लोकेशन देनी है जहाँ पे डेटा को पेस्ट करना है। जैसे मुझे डेटा को यहाँ पे G1 पे या H1 पे पेस्ट करना है, तो इसकी लोकेशन मैं यहाँ पे पहले दूंगा। उसके बाद जो हमारा सोर्स है, सोर्स हमारा कौन सा है, यहाँ पे लिखे ये डेटा हमारा सोर्स हो गया, तो फिर बाद में इसको लिखेंगे, पहले इसकी लोकेशन लिखी जाएगी फिर इसकी लोकेशन लिखी जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले लिखना क्या है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या है, हमारे H1 में सपोज कर लीजिए कि मुझे इस H1 में इसको पेस्ट करना है, तो मैं लिखूँगा रेंज, और H1 से लेकर H10 तक हमारी यहाँ पर डेटा की रेंज हो जाएगी। ये हमारी रेंज हो गई, और इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे रेंज जो हमारा सोर्स है, तो सोर्स हमारा क्या है, रेंज A1 to A10, ये हमारा सोर्स हो गया। और इसको इसकी जो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम, इससे सोर्स इस रेंज की जो वैल्यू है वो हमारी इस वैल्यू में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा इसको एग्जीक्यूट कीजिए आप, और देखिए आपका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली H1 में पेस्ट हो गया। तो ये दो आसान तरीके से हमने यहाँ पे
विजुअल बेसिक आपको बता दिया है, सिंगल लाइन के कोड है। थर्ड हमारा जो मैक्रो है वो है पेस्ट स्पेशल मेथड, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज कर लीजिए मुझे के वन पे डेटा को पेस्ट करना है अपने इस मेथड से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना कोड को सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले अपनी रेंज को हम कॉपी करेंगे। तो हमारी रेंज कौन सी होगी, रेंज जो हमारी सोर्स रेंज है, सोर्स रेंज हमारे ए वन से लेकर ए टेन तक है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे डॉट कॉपी। अब डेटा हमारा कॉपी हो गया, उसके बाद हम अगली लाइन में लिखेंगे उस रेंज को डिस्क्राइब करेंगे जहाँ पे डेटा को पेस्ट करना है। तो मुझे जैसे के पे पेस्ट करना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे रेंज रेंज डॉट के वन डॉट पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे देखिए हम पेस्ट स्पेशल लिखेंगे और एक स्पेस देने के बाद यहाँ करेंगे एक्सेल पेस्ट ऑल, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया, सिंपल सा कोड है। अब क्या होता है कि जब हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ, तो देखिए रेंज मेरी यहाँ पे लाइनें घूम रही हैं। तो इस लाइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा कोड हो गया थर्ड मेथड। अब इस मेथड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा के वन की मैंने यहाँ पे रेंज दे रखी है, के वन में डेटा मेरा पेस्ट होगा, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ F8 से। देखिए डेटा मेरा कॉपी हुआ और डेटा यहाँ पे आके पेस्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए ये लाइन घूम रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये लाइन घूम रही है, इस लाइन को हटाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी है एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स। तो जैसे मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा, तो मैं यहाँ पे जो लाइन घूम रही थी वो हट गई है। तो ये तीन डिफरेंट मेथड थे किसी भी डेटा को एक्सेल में कॉपी और पेस्ट करने के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार किसी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।